चाइना ने तो अपने पांच फौजी कैंप्स वहां से रिमूव कर दिए हैं और मज़ीद फौजी कैंप्स को वहां से हटाया जा रहा है मिलिट्री यू नो वॉज देयर इन वेरी वेरी अन इमेजिनेबल to टू टू डिफेंड चीन हमारी बात क्यों मानेगा चीन इसलिए मानेगा उसको पता है कि जब भारत बात करता है तो पीछे बारह लाख की फौज खड़ी है राइट right? एंड convincing argument. इंडियन आर्मी तो इतने कहते ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही यही धरती माँ हमारी आ, बहुत सी जो कंपनीज है चाइनीज उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई भारत जय 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 श्री राम जय श्री राम जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है हो चुका है आप पीछे जा रहे हो वो तो है सर या करेक्ट वो तो है यू आर एक्सेप्टिंग एवरी टर्म दैट इंडिया हैज इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है hmm. वो उनका बीस हजार है क्या आप चालीस पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे आज की तारीख में भारत के बगैर ग्लोबल इकोनॉमी ठप है और वो तो वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ भी मत्ता टेकते हैं उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं इंडिया जिंदाबाद मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक अपना जोश अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने फोर पॉइंट इंतहा इंपॉर्टेंट फोर पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया अगर एल के ऊपर इंडिया और चाइना के तलुकात बेहतर हो रहे हैं तो हम बात करेंगे एल की तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है वो उनका बीस हजार आप चालीस पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं इंडिया जिंदाबाद मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है अब चाइना वाले अब अगर चाइना के दस बंदे नारा लगा देना चाइना जिंदाबाद उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके तीस बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं जो जंगे लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती है जज्बे से लड़ी जाती है जुनून से लड़ी जाती है और बैकग्राउंड होता है सबसे बड़ी क्या ताकत होती है आपकी आवाम की ताकत होती है चाइना की अवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी ये चाइना की अवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी आने वाले मंगल तक जो डिसंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय ट्रूप्स हैं पीएलए है चाइनीज ट्रूप्स इनमें डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि डिस होगा अब तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख से आप शुरू कर दीजिए अब कई लोगों का यह पूछना है कि साहब इतना डिले क्यों डिसंगेजमेंट में बोला तो ऐसा नहीं होता जब ट्रूप्स आगे जाते हैं तो हजारों टन मटेरियल उनके साथ सामने जाता है पीछे ले जाने में टाइम लगता है अब डिस है धीरे धीरे होगी टाइम लगेगा इसमें भी ये चुटकी बजा के काम नहीं हो सकता दोस्तों यहां पे बात कर रहे हैं लोग खास तौर से देपसांग और दमचोक एरियाज हैं लद्दाख के ईस्ट लद्दाख का एरिया है यहाँ पे ये दोनों दमचोक और देपसान यहाँ पे डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा मंगल से एंड दे विल फॉल बैक टू प्री अप्रैल 2020 यानी कि गलवान जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी गलवान की लड़ाई उसके पहले के जो जो, जो एरियाज हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उसको मैंने समझाया भी था इनफैक्ट मैंने मैप पे समझाया था द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में और उस उस पूरे एपिसोड का वो जो लिंक है लिंक मैं दे देता हूं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि यहां पे धीरे धीरे यू नो डिसेजमेंट अब होगा क्यों होगा चाइना की क्या मजबूरियां हैं चाइना ने चार साल से डिसंगेजमेंट हम लोग कह रहे थे कि नहीं साहब करिए आप बात करिए चाहे हम बात नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे अचानक चाइना कहता चलो बात करेंगे कल बैठते हैं कल कर देते हैं डिसंगेजमेंट अचानक हो गया और ये अचानक नहीं भी हुआ अब अचानक कैसे हुआ कि अचानक चाइनीज मान गए लेकिन अचानक ऐसे भी नहीं हुआ क्योंकि चार साल से इस पर एफर्ट चल रहे थे कोर कमांडर लेवल की कितनी सत्रह अट्ठारह पता नहीं कितनी टॉक्स हो गई इफ आई आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट नंबर टू यू आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड बट कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई डिप्लोमेसी इतनी हो गई तो अचानक तो नहीं हुआ लेकिन खबर आपके पास अचानक आई और जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी uh, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं मैं दोबारा उन फैक्टर्स में नहीं जाऊंगा कई सारे फैक्टर्स हैं इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो चाइनीज कर रहे हैं uh, इसमें दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है चाइनीज फोर्सेस बैक डाउन इन लास्ट सितंबर लास्ट ईयर सितंबर 2023 हजार तेईस में गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से चाइनीज थोड़ा सा पीछे चले गए थे मामला वहां पे डीएसलेट कर गया था लेकिन अभी भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है देखिये ना ऐसा है कि तिब्बत एक प्लेटू है राइट तो वो प्लेन है सपाट है ज्यादातर तिब्बत अगल बगल पहाड़ियां उसकी बहुत है लेकिन तिब्बत टिब्टू अपने आप में एक मैदानी इलाका है चाहे वो पंद्रह सोलह सत्रह हजार फीट अब सी लेवल हो दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर लेकिन वो प्लेन एरिया है हमारा वाला जो एरिया है दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर वो वो थोड़ा सा अलग है तो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना आसान है हमारे लिए मुश्किल है लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बड़ी खुज ली है कि साबि अपने इलाके में ये सब क्यों बना रहे हैं ये जंगी सामान तैयार कर रहा है भारत ऐसा चीन का मानना है दोस्तों अभी हमारी अग्रीमेंट हुई है चाइना के साथ कि भाई आप भी पीछे हटाओगे हम भी पीछे हटाएंगे अपने अपने ट्रूट्स अपने अपने हथियार और ये अच्छी बात है होना चाहिए कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से जहाँ भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल साहब जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली यू नो आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी Uh, वो बंदा है जो सोचता है प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा uh, uh, है अमित शाह माइट हैव सेड दैट लेकिन द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज इज मेरी असेसमेंट में दोवल साहब है दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट uh, जारी की है दैट इज़ डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराने को हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है तब जाके अमन होगा तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा फॉर एग्जांपल इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है इसको डायसेक्ट कर लेना क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है बीजिंग में जा सकता है शंघाई में जा सकता है एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल विच इज एक्सपेंसिव विच इज प्रोट्रेक्टेड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं दे आर गैदरिंग जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों वाई शुड बी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना सो इट मीनस दी ओनली कंट्री वे डॉक्टर साहब जो हैं वो जिसके ही पाकिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब तो वो किस चीज को मैंशन करेंगे आई थिंक वो कल कोई आ, जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जन साहब हैं उनकी बुक थी वो और आ, उस पर बात कर रहे थे और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलने ठीक है तब अमन होगा अब अब वो बात कर रहे हैं जारी बात है वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे वो मॉल की बात तो नहीं कर रहे पिछले सतर सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है हो चुका है आप पीछे जा रहे हो वो तो सर या करेक्ट वो तो है यू आर एक्सेप्टिंग एवरी टर्म दैट इंडिया हैज गिवन एंड आई एम जस्ट नाउ वेटिंग हम लोगों से मैं यही कहूंगा कि डोंट जंप द गन वेट करो अभी तो बोला है हां फाइन प्रिंट में क्या आता है क्या आता है करेक्ट कि हमने कहा है कि आप जो अप्रैल 2020 का लाइन है वहां तक जाइए और आज कल रात को बाय द वे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर शॉर्डर तो ठीक है एफडीआई पे अभी बैन नहीं हटाए नहीं एफडीआई <laughs> तो निकलेगा नहीं क्योंकि भरोसा नहीं है hmm. बार बार आपने भरोसा तोड़ा है जी. जब से ये आया है जो भी आपके एग्रीमेंट्स थे कि भाई पेट्रोल के लिए आओगे चले जाओगे हर बार ये तोड़ता गया है राखी नाला में किया है चूमर में किया है डोकलम में किया है फिर यहां पे किया है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार दफा कर दिया है। कौन भरोसा करेगा और एफ किस लिए आएगा ये तो उसकी नेरेटिव है नेरेटिव क्यों है यूएस और वेस्ट की इकोनॉमी वैसे ही ठप हो रही है तो रही। 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 प्रोडक्ट्स uh, के लिए चाइनीज के ऊपर बैन कर रहे हैं hmm. बैन इन देंस टैरिफ बढ़ा दिया कनेडा ने भी पच्चीस परसेंट बढ़ा दिया हाँ, में। तो टैरिफ बढ़ा दिया है सो दैट लोकल प्रोडक्ट्स और चीपर देन दाइनीज प्रोडक्ट ठीक है देन जो ये मीडियम एंड लो टेक अभी भी खरीदते लेकिन उतने तादाद में नहीं खरीदते जितना कोविड के पहले खरीदते रहते थे, थे। हुँ, हुँ. और आई वुड से कोविड एंड यूक्रेन वॉर के पहले खरीदते थे क्योंकि बहुत कोविड कोविड में से तो उतना हिट नहीं हुआ लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद बहुत हुई है खत्म हो गया वो सोच रहे थे रशिया का होगा चाइना नहीं, नहीं, नहीं वो सोच रहे थे कि रशिया का इकोनॉमी खराब होगा यूक्रेन वॉर में लिटिल किसी ने ये असेसमेंट नहीं किया सेंसिबली कि भाई हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है रशिया के ऊपर डू वी नीड रशिया मोर और डस रशिया नीड अस मोर भाई सैंक्शन अगर डालते हो इफ दी सैंक्शनड कंट्री नीड्स यू मोर फिर सैंक्शन का इफेक्ट होता है hmm. जब आप यू रिक्वायर फिर आप खुद ही सैंक्शन तोड़ोगे कि भाई ये 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 अप्लाई नहीं होता है तेल ले रहे हो तेल ले गैस ले रहे हो यूरेनियम ले, ले रहे हो मटेरियल ले, ले, ले रहे हो सारा ले रहे हो वहां से तो उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ सरपट दौड़ रही है आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया

तो क्वेश्चन ये है कि जो डोबल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ सो इट मींस कि टारगेट टारगेट सईद इनसाइड द टेरिटरी मीन मुजाहिदीन इनसाइड पाकिस्तान सो दैट द मोर द मोर यू इंगेज पाकिस्तान इनसाइड द टेरिटरी द बेटर इट विल बी फॉर देम बिकॉज इंडिया ये समझता रहा है फॉर फॉर क्वाइट मेनी ईयर्स हमने हम इंगेज रहे हैं अपनी टेरिटरी में इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया इंगेज रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में इंगेज रखा दोनों मुल्कों के हवाले से ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि हम हमें पाकिस्तान ने इंगेज रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ इज आर टाइम दैट वी नीड टू पाकिस्तान ऑन इट्स कीटरी इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और जयशंकर साहब भी ये